सो जनाब, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। आपके सामने इसमें बाबर आजम मौजूद हैं, अबरार हैं, आज़म खान हैं, फ़खर जमान हैं, इफ्तिखार, इमाद वसीम की वापसी, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, इसी तरह इरफान खान नियाज़ी भी आ गए हैं, कराची किंग्स वाले नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाफी, उसामा मीर, उस्मान खान भी हैं, जमान खान भी, जबकि टैवली तरफ में हसीबुल्ला हैं, एहसानुल्ला हैं, सॉरी हसीबुल्ला, इसी तरह मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा। मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शायद आप उनको स्क्वाड में रख सकते थे, लेकिन अगर आप देखें तो एक ये स्टेप कि आप आमिर इमाद पे वापस गए हैं, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके क्रिकेट टैलेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, आप वापस पीछे जा रहे हैं, या समझते हैं कि शॉर्ट टर्म, मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म के लिए बुरे अपॉइंटमेंट नहीं है रिसेंट फॉर्म को देखते हुए, बट PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क होता है और इसका फिर बाद में पता चलेगा, लेकिन चूँकि एक्सपीरियंस हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, इस लेवल पर नाम बनाया हुआ है एक ज़माने में खातिब आमिर ने, तो शायद वो एडजस्ट भी कर पाएँ। देखिए, वक्त बताएगा कि ये स्टेप कितना अच्छा था, टीम की यूनिटी की बात भी आएगी, चूँकि आपको पता है कि खिलाड़ियों के खिलाफ, बाबर के खिलाफ किसने क्या बात की हुई है। एक गुड टू सी के चलें, एटलीस्ट कोशिश की गई है इसकी सारी चीज़ों को पीछे करके टीम को बनाया जाए। सो वक्त बताएगा, मैं इस पर ये जजमेंट ज़रूर दूंगा कि टीम में ये कल्चर ज़रूर आएगा कि अब कंपटीशन बढ़ेगा और एक दूसरे को, जैसे आमिर के आने से शाहीन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, इमाद के आने से शादाब पर, सो लड़के थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करेंगे। आप ही कह रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।